हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमियारा। तो आप लोगों का स्वागत है सुमियारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई स्पेशल बहुत अच्छी सी डिश, सिंपल सी, वो है लहसुन की चटनी। और ये राजस्थान गुजरात में खाई जाती है। इसमें घी का तड़का लगाते हैं तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। पैन ले लिया है, पैन को हम इधर चढ़ा दिया है, पैन गैस को चालू कर दिया है। थोड़ा सा इसका पानी सूखने देते हैं, फिर इसमें चढ़ा देंगे तेल। तेल घी आप कुछ भी डाल सकते हो। जीरा, सौंफ, बहुत टेस्टी लगती है ये, गुजरात और राजस्थान में बनती है। थोड़ी सी अजवाइन, साबुत धनिया। आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करना। लहसुन की कली, 8 से 10 लहसुन की कली ले ली मैंने। इसको हल्का सा भून लेंगे। अभी डाल देंगे इसमें प्याज कटे हुए, प्याज को हमें हल्का ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। नमक डालने से क्या होता है, जो ये प्याज है अच्छे से जल्दी से पक जाएंगे। ब्राउन होने तक हमें पकाना है। इधर मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली थी, इसको मैंने पानी में भिगो दी थी आधे घंटे के लिए। ये डाल देती हूँ। गुजराती चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको जो नूरी भी बोलते हैं, जिसको व्हाइट वाला, उसके साथ खा के देखना, बड़ी टेस्टी लगती है। राजस्थान और गुजरात में खाते हैं ये चटनी। अभी गैस को बंद कर देते हैं और इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमें एक इसको मिक्सर जार में बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना, जैसे चटनी बनाते हैं वैसे। तो अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो प्याज और हरी लाल मिर्च ये ठंडी हो चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ा मिक्सी में चला देती हूँ बारीक पेस्ट बनाने के लिए। चटनी को मैंने पीस दिया है। अभी मैं फिर से चढ़ा दी मेरी कढ़ाई, और इसमें मैं डाल देती हूँ घी 1 चम्मच, क्योंकि जब कोई भी चटनी हो उसमें घी का तड़का लग जाता था, उसकी बात ही अलग है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर वो जहाँ एक रोटी खाते हैं वहां पे 2 रोटी खाने का मन करता है। तो इधर मैंने घी ले लिया है, गैस को चालू कर दी है। घी को पिघलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने चटनी बनाई है ये, इसमें तड़का लगाऊंगी। घी गर्म हो चुका है, अभी मैं डाल देती हूँ इसमें चटनी। ये बोलते हैं लहसुन की चटनी, इसको लहसुन वाले चटनी बोलते हैं। अभी हमें इसको अच्छे से पका लेना है। इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना बन जाए। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम लोग तीखा ज्यादा खाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ ऊपर से।
अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो छोड़ देना। तो थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ पानी ऊपर से इसमें। इसको अच्छे से चलाते रहना है, जब तक इसमें खुशबू ना आए तब तक इसको चलाते रहना है। अभी मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। चटनी बन गई, हो गई तैयार। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चटनी मेरी बन चुकी है, देखो कितना अच्छा इसके कलर आया है। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ किसी बर्तन में। ये देखो मैंने कटोरी ले ली है और इसमें मैं निकाल देती हूँ। कभी कभी होता है ना सब्जी खा खाते परेशान हो जाती है, तो होता है कि कभी ऐसी कोई सिंपल सी चीज बना ले। टमाटर की चटनी से भी अच्छी लगती है ये लहसुन वाली चटनी, देखो। तो मिलते हैं आपको एक ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।